का दिन विशेष इसलिए है कि 9 सितंबर के दिन ही हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख एक लेखक कवि व्यंग्यकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आज जन्म होता है। इस जन्म को हमारे मनाने का उद्देश्य है कि वे एक महान कवि कलाकार और रचनाकार थे। वे भारत को प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब उन्होंने अपने उम्र में थे तब वे अन्य साहित्यकारों को प्रोत्साहन बहुत किए, अपने पूरे धन वगैरह को भी लगाए और उन्हीं की वजह से उनकी अल्प आयु में भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके पास जितने भी धन थे कोई भी अगर साहित्यकार को दिक्कत होता था तो उस धन को लगा देते थे। इसी कड़ी में हम उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं कुछ क्या थे वे, भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण हुए। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे आधुनिक काल के कवि रचनाकार होते हैं और उनके साहित्य में रीति पहले के जो कवि थे और वे रीतिकाल को लेकर लिखते थे। जैसे कि हम रीतिकाल में पढ़ते आ रहे हैं कि रीतिकाल में राजा महाराजाओं की प्रशंसा की जाती है, युद्ध आदि के बारे में लिखा जाता है, लेकिन वे उस कला को छोड़कर आधुनिकता की और नए ऊर्जा का आह्वान किया और अपनी तरह से नए विचारों का परिचय दिया। और कारण ये नहीं था कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार, हालांकि ये साहित्यकार समाज ने उन्हें इस उपाधि से विभूषित किया, किंतु मात्र ये कारण नहीं था कि वो बहुत अच्छे साहित्यकार ही थे, उनको भारतरत्न कर दिया गया। वो भारत देश की जनता के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक और अपने जीवन काल के 34 वर्ष 3 माह 27 दिन इसी काल में उन्होंने सैपा जो साहित्यकार समाज के लिए और जनमानस के लिए लिखे उसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। साथ ही जो इनके मंडल के सदस्य थे भारतीय मंडल के जो कवि या अन्य साहित्यकार थे उनकी रचनाओं के प्रकाशन के उद्देश्य से ये कवि वचन सुधा लिखते हैं। हरिचंद चंद्रिका जिसका प्रारंभ में नाम हरिचंद देखिए था लेकिन बाद में हरिचंद चंद्रिका नाम से प्रकाशित करते हैं और सबसे प्रमुख नारी जाति के उत्थान के लिए नारी जाति का विकास कैसे हो सके इस पर विचार कर और इस समस्या के समाधान के लिए 1874 बालक बोधिनी पत्रिका से वो विचार करने लगे और अन्य विद्वानों को भी आमंत्रित करते थे कि विचार करके बताएं कि कैसे विकास किया जा सकता है। अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी वो आए दिन ऐसे लेख लिखते थे कि देश की गरीबी का कैसे समाधान किया जाए, कैसे दूर किया जाए, निरक्षरता को कैसे कम किया जाए और सबसे बड़ी बात अपनी रचनाओं से या अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि देश में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है इस व्यवस्था के कितने अवगुण हैं या ये देश का कितना नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निरंतर करते रहे और जिसका मात्र प्रतिमान स्थापित करने का जो सिद्धांत देकर गए या उनका साहित्य में आविर्भाव होना जिस प्रकार की बड़ी घटना थी, ऐसी कोई बड़ी घटना जब तक ना हो जाए साहित्य के क्षेत्र में तब तक इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा दी जाएगी। और साहित्य इतिहासकारों ने बात को माना भी है कि जब वैसी कोई बड़ी घटना जब तक नहीं हो जाती है जैसे सरस्वती का प्रकाशन होता है 1900 ईस्वी में तब तक के इतिहास को माना गया कि ये भारतेंदु युग है। सरस्वती का प्रकाशन भी अपने आप में बड़ी घटना थी लेकिन इनकी मृत्यु के लगभग 15 वर्ष बाद तक इनके नाम से सब उस कालखंड को माना गया। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये किस स्तर के साहित्य क्षेत्र में कितना ऊंचा स्थान रखते हैं। और इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो इनके रचना के जो वर्ण विषय थे उनका जो भाव था यही कह भाव मुख्य विशेषता है। तुमने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो क्रांति ला दी इसको भी जानते भारतेंदु साहित्यकार ही नहीं एक उच्च कोटि के पत्रकार भी है। पत्रकारिता के छोटी से छोटी बातों को अच्छे से जानते थे इसका उपयोग अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने लाया।
तो इतना ही, या और कोई विद्यार्थी हैं जो उनके बारे में बोलना चाहते हैं? चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग आगे से तैयारी करके आइए। और सितंबर माह में अनेक प्रोग्राम हिंदी से संबंधित होने वाले हैं, आप लोग को सूचित किया जाएगा और उसके संबंध में तैयारी भी करके आप लोग रखेंगे। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, भागवत का धन्यवाद जिसमें अपना